हमारा मातम शहजादी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए कि हाथ सरों पे आ गए जो सीने पे हाथ मार सके। वक्त रोक के लड़े हुसैन, वक्त नहीं चला जाता हुसैन। फिर एक बात जरूर कहने चाहता, जब आखिरी वक्त में शहीद हुसैन खेमे से निकले, मुर्तजे के करीब आए तो क्या देखा, मुर्तजे तैयार था, जीन सलीके से सली हुई, भाई कल में अब्बास मुर्तजे की लगामे जीन पे पड़ गई, रुकावे बराबर थे। शबीर ने दाएं बाएं देखा और मुर्तजे से कहा, मुर्तजे वो जो मुझे सवार करवाते थे, जो तुझे तैयार करते थे, वो तो सारे फुरात के किनारे पे सो गए, आज तैयार किसने करा। मुर्तजे आवाज देके कहते, मौला आपकी बहन रुकैया सैयदा सलामत रखे, जो बैठ कर करो। शबीर रुके नहीं, हुसैन जल्दी जल्दी सैयदा उम्मुल बनीन की बेटी के खैमे में आए, आगे आवाज देके कहते, रुकैया बतूलजादियों की बेटियों के, बतूलजादियों के पर्दों पे पली हो, ये घोड़े तैयार करना किसने सिखा दिया है। सैयदा रुकैया आवाज देके कहते, मौला कल सारी रात अब्बास मेरे खैमे में कभी जीन रखता था, कभी जीन उतारता था और रो रो के कहता था, कल मेरे मौला ने तनहा हो जाता, मैं बिस्मिल्लाह करूं। कितनी वफा की उम्मुल बनीन की औलाद में। और लड़ने की बाबत एक बात कहूं, जब आखिरी सलाम करके बहन के खैमे से रुखसत होने लगे तो शरीकत हुसैन सैयदा ने पीछे से हवा में हाथ डाल के शबीर को रोका, सैयदा ना जाओ, फरमाया जाइए हुसैन, लेकिन मेरी एक हसरत है। जी सैयदा, फरमाया जल्दी न करना, थोड़ी देर लड़ना। सैयदा क्यों, आवाज देके कहती, मैंने अब्बास लड़ते नहीं देखा, तुम्हारा बात मालिक कबूल फरमाए, आप लड़ेंगे मेरी हसरत पूरी हो जाए। शबीर आवाज देके कहते, अच्छा सैयदा, आज फरिश्ते बदर भूल जाएंगे, आज हुनैन भूल जाएंगे, आज खैबर भूल जाएंगे, चले हुसैन हर जनाजे से चुप करके गुजरते थे। वो सालार, वो मीरे कारवां, जिसकी सारी फौज के जनाजे रस्ते में पड़े हों, वो हसरत से तो देखता है, शबीर ने किसी जनाजे को हसरत से नहीं देखा, वहां से भी चुप करके गुजरे जहां कासिम के टुकड़े थे, वहां से भी चुप करके गुजरे जहां पर के सीने से बर्छी खींची थी, वहां से भी चुप करके गुजरे जहां अस्कर के कान में तीर लगा था, लेकिन एक मकाम ऐसा है जहां शबीर की आंख से आंसू भी निकला है, शबीर की हाय भी निकली है। सुनो के फैसला पैदा हुआ, ये कौन सा मकाम था, ये वो मकाम था जहां अब्बास का पहला बाजू बना था, जहां अब्बास का बाजू बैठा था, अब हुसैन के तेवर बदल गए, शबीर ने घोड़े की अवतार बढ़ा दी, मंजिल नौखेला पे आके शबीर ने पहला नेजा हवा में फेंका। तीन दिन के प्यासे में ताकत कितनी थी, सुनो शबीर ने नेजा हवा में फेंका, पास नहीं गिरा, 9 मील दूर जाकर गिरा, जमीन में नेजा नस्ब हो गया, पहला नेजा अपने पैरों में नस्ब किया, मुर्तजे को दौड़ाया, दोनों नेजों के दरमियान शबीर खड़े हो गए और आवाज दे दी, कहते तुमने मुझे बेवारिस समझा, मुझे कमजोर समझा, अगर तुम 9 लाख में से किसी की जरूरत है, मुझे इन दो नेजों के दरमियान से गुजर के दिखाओ। यजीद की फौज के कोई सिपाही आगे नहीं निकला, शबीर के तेवर ऐसे बदले के शबीर ने तलवार निकाल के यजीद की फौज पे पहला हमला करके सुना दो, शबीर पहला हमला करके आवाज देके कहते, बेगैर तो तुमने मेरा गाजी मार दिया, तुमने मेरा अब्बास मार दिया। शबीर लड़ते रहे, मैमना पे मैसरा पे कल पे लश्कर में सफों पे सफे उलटती रही, पसीना साफ करते रहे, हुसैन लड़ते रहे, फौजें मटाते रहे, फिर लड़ते 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 एक हाथ शबीर की कलाई में, जानते ये हाथ किसका था, ये वही हाथ था जो पसलियों से नहीं उठता, ये वही हाथ था जो रसूल के बाद तस्बीह नहीं पढ़ता था। आवाज आई
शबीर वाला है तिफली मफादा। हुसैन बादशाह ने इन्ना लिल्लाह पढ़ के तलवार को नयाम में रखा। अभी हुसैन तलवार को नयाम में रख रहे थे कि जजर बिन कैस ने नेजा पसलियों में मारा। फिर यजीद की फौज ने बड़ा मारा हुसैन। यजीद की फौज ने मुझे माफ करेंगे मादमी जवान, रिवायत छुपाऊंगा नहीं, यजीद की फौज ने बड़ा मारा हुसैन। हुसैन के सारे जिस्म में नजरिया तौहीद छुपाने वाले खैमे बन गए। क्या पढ़ूंगा साथ में यार, हुसैन के सारे जिस्म में नजरिया तौहीद छुपाने वाले खैमे बन गए। जख्मी जख्म थे, जख्मी जख्म थे, जख्मी जख्म थे, और बताओ कितना मारते थे यजीद की। जब हुसैन एक बार रेत के टीले पे बैठे थे तो फिर यजीद के सिपाही पता क्या करते थे, एक बार उठते थे गर्म रेत उठाते थे, आगे हुसैन के जख्मों पे डाल के करीब खड़े होकर हंसते थे। फिर एक बार हमें शबीर ने नेजे पे सर रखा, सर झुका के बैठ गए शबीर। जब शबीर कब्जे तलवार पे सर रख के हुसैन सर झुका के बैठ गए, लश्कर यजीद में एक शोर था, हुसैन शहीद हो गए। कुछ कहते थे नहीं अभी है, एक लईन है जिसका नाम है सनान इब्ने अंस, ये कहता मुझे इजाजत दो मैं जाके देखता हूं, हुसैन अभी है ये शहीद हो गए। ये चला, चलते चलते ये रस्ते में झुका, इसने झुक के एक नोकीला पत्थर उठाया, अपनी पुश्त पे छुपाया। हुसैन के बिल्कुल करीब आके कहता है शबीर तेरी बहनों के खैमों को किसी ने आग लगा दी। हुसैन ने कब्जे तलवार से माथा उठाया, इसने पीछे हाथ पे नोकीला पत्थर मारा जो हुसैन की जमीन पे लगा। हुसैन पुश्त के बल जमीन पे गिरे। अब नाजी को नहीं बुलाया, अब शबीर आवाज देके कहते हैं हाय अम्मा, करीब से आवाज आई, बेटे तैयारी कर, मैं कब से आई खड़ी हूं। इसके बाद फौजी ने मेरे मौला हुसैन की गर्दन पे नेजा मारा, पड़ गया तो सुन गया। पता नहीं अब कौन सा बंदा जो मातम कर सकेगा, कौन सा बंदा जो हाय कर सकेगा। अल्लाह बस इतना कहना चाहता हूं कि शबीर जहां उतरे हैं ना वहां शहीद नहीं हुए। जो मातमी जवान बैठे जहां उतरे हैं ना वहां शहीद नहीं हुए। मुझे मातमी जवान माफ कर देंगे, हुसैन जहां उतरे हैं वहां शहीद नहीं हुए। मुझे मातमी जवान माफ करे, हुसैन जहां उतरे हैं वहां शहीद नहीं हुए। कोहनियों के बल चलते गए, घुटनों के बल चलते गए, नहीं हुसैन कहां थे, हुसैन नमाज पढ़ रहे थे। ले कौन गया हुसैन, वाह मुझे बताओ, शबीर का काफिला है जिस हरामजादे का नाम है शिब्र, ये उठा के ले गया हुसैन को। अगर तेरी समझ में आए तो फिर मातम करना। इसने आगे हुसैन के जुल्फों में हाथ डाला, ये घसीटते हुए हुसैन को वहां ले गया जहां बहने देख रही थी। शबीर ने वहां पहुंच कर भी श्रद्धा की, इसने सबने मारना शुरू की। पहली जरूरत लगन से पहले बेटी आ गई थी, अगर इसका हाथ रुक गया, इसने हुसैन को सर लगाने से पहले एक बार इसका हाथ हवा में उठा हो, हाथ का हवा में उठना था कि शबीर ने लग रखने से पहले सकीना बेटी में गिर गई, सकीना का बुर्दा जख्मी हो गया, सर में चलती रही, अगर अंबिया मैदान छोड़ते रहे, तेरहवीं जरूरत पे सकीना वापिस आई, सदर का Oh,
तेरे नाम में जाग दिया।
एक बारी जूं देना
Yeah.
Oh!
मामा कदी भी ज्यादा फ्रंट तो आ गए मैं हाथ नहीं तेरे को दोनों लोगों के बुलाने।